गुड मॉर्निंग गाइस एंड वापस से और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10:30 AM एंड अभी मैं फ़िलहाल दुकान में हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे में देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को मैं अपना घर दिखाने वाला हूँ। अभी मैं फ़िलहाल दुकान में हूँ और मेरे घर के दुकान के पीछे मेरा घर है बगल में ही। तो चलिए घर की ओर चलते हैं और मैं अपना घर दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो देख सकते हैं, यहाँ हमारा दुकान कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। और हम यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर हम व्यापार करते हैं। चलिए अब घर की ओर चलते हैं और मैं आप सभी को घर दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से इस रास्ते से ऐसे करके हम जो हैं इस तरफ होके घर चलते हैं। और ये जो देख पा रहे हैं ये मेरा घर है और यहाँ पर एक जैकफ्रूट का पेड़ है, जैकफ्रूट का। और यहाँ देख सकते हैं ये जो है दोस्तों मेरा जो घर है, घर का एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर ये कर दिया गया है भाई, बंद कर दिया गया है। खोलते हैं इसको, खुल जा भाई। सो हम एंट्रेंस गेट खोल चुके हैं और जब आप अंदर आते हैं एंट्रेंस गेट के गेट से, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर मतलब गाड़ी वाड़ी हम पार्क करते हैं, कुछ गायों का खाने का चीज़ भी है इधर बुरे में, मतलब बस्ता में। और ऐसा कुछ दिखता है, इसको हम बंद कर देते हैं। और जब आप अंदर आते हैं तो हमारा घर का आंगन कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है। चारों ओर घर है और उधर उस तरफ मेरा रूम है। तो चलिए इस रूम को पहले दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो रूम है दोस्तों स्टोर रूम जैसा है, हमारे घर में रहने के लिए, घर का में पर स्टोर करने के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी एक बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी लोग सोते हैं, किसी को भी मन करता है तो सोता है। सो यहाँ से हम बाहर आते हैं और यहाँ कुछ ऐसा दिखता है मेरा घर। वहाँ तो हम बाइक वाइक पार्क करते हैं, ये रहा मेरा साइकिल। और यहाँ भी एक स्टोर रूम जैसा ही है, ऐसा कुछ जगह है इधर। और आप ये जो देख पा रहे हैं ना, इधर इधर हमारा किचन रूम है। ये जो आप रूम देख पा रहे हैं इधर किचन है और यहाँ पर हम बैठ के खाना वाना खाते हैं। हम घर में नीचे बैठ के खाना खाते हैं और ये भी एक स्टोर रूम है। मैं जल्दी जल्दी आप सभी को घर दिखा रहा हूँ क्योंकि घर में सबको इधर उधर जाना आना करते रहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। और ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरफ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये घर में पूजा होती है। सो ये पूजा रूम है और अभी तक पूजा तो नहीं हुआ है, पूजा होगा और थोड़ी देर बाद। और ऐसा कुछ दिखता है मेरा घर। और घर मेरा रूम इस घर के अंदर है। सो वो तो आप देख लिए एंट्रेंस गेट। और घर के अंदर और अंदर जाने के लिए ये भी एक गेट आता है, तो चलिए इसको खोलते हैं। और ऐसा कुछ दिखता है मेरा घर, इधर से ऐसा कुछ दिखता है और इधर से ऐसा कुछ दिखता है। सो अभी रसोई हो रहा है कुछ, अभी पता होगा मतलब उड़ीसा में जो रसोई होता है देसी वाला रसोई होता है, तो कुछ भी पता नहीं क्या क्या रसोई कर रहे हैं। देख सकते हैं आप अभी रसोई करके कहीं गए हैं माँ। और यहाँ कुछ ऐसा दिखता है मेरा रूम और इधर से ऐसा। और ये जो रूम देख पा रहे हैं इधर ना, लाइन में तीन रूम है, ये एक टू वो दूसरा वाला और उस तरफ है तीसरा वाला। सो पहले इस रूम में चलते हैं। और ये जो रूम आप देख पा रहे हैं ना, ये रूम में मेरे मम्मी पापा रहते हैं। सो रूम कुछ ऐसा है और ऐसा कुछ दिख रहा है रूम, चारों ओर से ऊपर कुछ ऐसा दिखता है। सो वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था, सो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना घर का वीडियो बना देते हैं। क्या कि दोस्तों मेरा थोड़ा तबीयत खराब सा है, हद से ज़्यादा सर्दी हो गया है, तो बिल्कुल ख़राब लग रहा है, आपको मेरे शक्ल से पता चल रहा होगा। सो मैंने सोचा चलिए आज दोस्तों को अपना घर दिखाते हैं। तो मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहते हैं। और चलिए मैं अपना रूम दिखाता हूँ आपको। सो इस रास्ते से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पर भी एक टू रूम है पर यहाँ पर कोई सोता या रहता नहीं है। यहाँ पर भी एक स्टोर रूम है, यहाँ पर हम कूलर फूलर खाने का चीज़ राशन जैसा चीज़ें कपड़ा सब कुछ ऐसे रखते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें हैं इधर। तो इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ से बाहर आते हैं। और यहाँ आते ही यहाँ पर भी कुछ सामान रखा गया है और यहाँ पर मेरा पीसी है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए कैसे कचरा करके रखा हूँ मैं इसको, मैं ज़्यादातर टाइम वीडियो अपलोड करने में और कुछ टाइपिंग प्रैक्टिस करने में मैं इस्तेमाल करता हूँ। सो अभी तो बंद है
ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का जगह और ऐसा कुछ है। और यहाँ से मेरा रूम है, इधर आप जब अंदर आओगे तो मेरा रूम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और ऐसा कुछ रूम है, देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सोता हूँ और उधर मेरा छोटा भाई जो है सोता है। अभी कोई भी नहीं है घर में क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में गए हैं। सो अभी इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि घर में कोई भी होता है ना तो क्या परेशानी होती है ना वीडियो शूट होते वक्त। सो अभी शूट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरा रूम दिखता है। आपको पता है मतलब लड़के लोगों का रूम कैसा होता है, हमेशा कचरा करके रखे होते हैं। और इधर से ऐसा कुछ दिखता है, इधर कुछ बॉक्सेस भी हैं, ये एक गोदरेज है। और रूम कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप देख सकते हो। इधर से अगर आप बाहर निकलते हैं तो सामने ही में ही ये मेरा पीसी है, ये चालू है अभी, मतलब काम करता है, बस अभी मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ। सो ऐसा कुछ दिखता है मेरा रूम, और जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो घर कुछ ऐसा दिखता है, और बाहर से इधर से बाहर कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर से मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मुझे बहुत शर्म आ रहा था, पता है, कि घर के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि क्या है कि मेरे घर वाले कैमरा फ्रेंडली नहीं है। सो इसलिए बनाने को मन नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा कि नहीं यार, बहुत दिन हो गया मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सो चलिए कोई एक वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने सोचा अभी तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, घर का वीडियो बना देता हूँ, दोस्तों को अच्छा लगेगा, मेरे बारे में और कुछ जानने को मिलेगा। सो इसलिए मैं घर का वीडियो बनाया, और उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया तो एक लाइक करना, साथ ही जो मेरे भाई और बंधु, जो भी मेरे दोस्त मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, मेरे वीडियोस देखे हैं, मतलब देखते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इस टाइम में मैं अपलोड करूंगा जो कि आप सभी को देखने को मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलता हूँ मैं आप सभी के साथ और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। I've been okay, I've been alright, I've been messing around with this girl for a minute.